Xiaomi Mi 11 डिवाइस में इंस्टॉल किया है एंड्रॉइड पी का जेनरिक सिस्टम इमेज जो डेवलपर प्रीव्यू फोर है। तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, सिस्टम और अबाउट फोन में देखोगे तो यहाँ पे आपको डिवाइस Mi 11 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको नीचे दोस्तों एंड्रॉइड 9 और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल जुलाई 5 देखने को मिलेगा। और बिल्ड नंबर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो PPP4 मतलब दोस्तों डेवलपर प्रीव्यू 4। और दोस्तों यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है वेलोसिटी कर्नल Xiaomi Mi 11 डिवाइस में। तो अपने बहुत सारे यूजर्स मुझे बोल रहे थे कि मैंने जो डेवलपर प्रीव्यू 3 का वीडियो अपने Xiaomi Mi 11 के लिए लाया था तो उसमें फेक वीडियो है। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड 1 और ये Xiaomi Mi 11 डिवाइस है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या स्मॉल चेंजेस है और क्या ये अपने Xiaomi Mi 11 डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोस्तों डेवलपर प्रीव्यू 3 से डेवलपर प्रीव्यू 4 में बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे Xiaomi Mi 11 डिवाइस के लिए जो बग्स थे वो भी डेवलपर 3 से डेवलपर 4 में बहुत सारे बग्स फिक्स हो चुके हैं। है दोस्तों, मेरा नाम है मदन और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मदन गायकवाड़। दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम बात करते हैं डेवलपर प्रीव्यू 4, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं एज कम्पेयर टू डेवलपर प्रीव्यू 3। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेटिंग के जो आइकन्स है, न्यू आइकन्स, वो काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसमें आप डेवलपर प्रीव्यू 3 के सेटिंग के आइकन्स देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप बैटरी आइकन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस अच्छे से काम करता हुआ दिखेगा अभी इस डेवलपर प्रीव्यू 4 में। मतलब दोस्तों ये एक बार आप ऑन करोगे तो AI की मदद से दोस्तों जिस ऐप को जितना बैटरी चाहिए उतना ही ये बैटरी यहाँ से चला जाएगा, मतलब आपका बहुत सारा बैटरी यहाँ पे बच सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों और बहुत सारे सेटिंग्स की, जैसे कि दोस्तों डिस्प्ले, तो यहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन ऐड कर दे, जैसे कि दोस्तों नाइट लाइट, तो यहाँ पे टर्न ऑन नाउ, तो ये दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो यहाँ पे देख सकते हो और काफी अच्छे से चलता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एडवांस में दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगी, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डिवाइस थीम, तो ये फाइनल दोस्तों ऐड किया है इसमें। तो यहाँ पे आप डार्क सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद दोस्तों आप क्विक नोटिफिकेशन टॉगल देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लगता है ब्लैक में। तो और दोस्तों काफी स्मूथ है, कोई लैग नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम और बात करते हैं सेटिंग्स में, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको लाइट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों लाइट करने पे व्हाइट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, आप जस्ट फोन को रोटेट करोगे तो यहाँ पे जो आइकॉन चेंज किया है, तो पर्सनल दोस्तों पहला ही अच्छा था तो ये मुझे पसंद नहीं आया, पर अच्छा है, ठीक है, डेवलपर प्रीव्यू 4 में इसे चेंज कर। हम बात करते हैं सिस्टम में और यहाँ पे दोस्तों गेचर्स में, तो यहाँ पे दोस्तों गेचर में दोस्तों यहाँ पे स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, ये डेवलपर प्रीव्यू 3 में अच्छे से वर्क नहीं करता था, पर डेवलपर 4 में Xiaomi Mi 11 में ये अच्छे से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वाइप अप होम बटन, मतलब दोस्तों ये जो गेचर है इनमें भी बहुत सारा इन्हांसमेंट हो चुका है, तो ये परफेक्टली वर्क करते, वैसे भी दोस्तों कोई लैग नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो और काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिसेंट मेनू भी क्लियर का ऑप्शन मिल जाता है जो काफी कमाल का है। उसमें भी आपको स्पेशली कॉल वॉल्यूम का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा जो सैमसंग के फोन्स में होता है। तो फाइनली यहाँ पे भी दोस्तों ये ऐड कर दिया है और नीचे रिंग वॉल्यूम भी आपको मिल जाता है, तो ये भी काफी कमाल की बात है। स्वाइप अप करके रिसेंट मेनू में जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा गेचर है, तो यहाँ पे देख सकते हो उसका लेंथ तो यहाँ पे कम्प्लीटली बढ़ा दिया है और काफी अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पे। मतलब दोस्तों DP3 में ये गेचर दोस्तों स्मॉल ही था, पर ये काफी अच्छे से अब चल रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। तो बात करते हैं हम फिंगरप्रिंट की DP4 में, मतलब डेवलपर प्रीव्यू 4 एंड्रॉइड 9 में, तो यहाँ पे जस्ट आप टैप करोगे ओपन हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये हमारा जो ओरियो 8.1 चल रहा है वैसा ही है, पर दोस्तों कोई बग नहीं है, अच्छे से चल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट का कोई भी इशू इसमें नहीं है। और प्रीव्यू 4 Xiaomi Mi 11 में दोस्तों यहाँ पे अभी भी OLT का बग है, मतलब दोस्तों आप वॉइस कॉलिंग नहीं कर सकते, वैसे भी दोस्तों इनकमिंग कॉल आ जाती है पर दोस्तों यहाँ पे वॉइस कॉलिंग नहीं होती। उसके बाद दोस्तों सेकंड बग था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पे जी कैम दोस्तों की ग्रीन फोटोज आ जाते हैं, तो यहाँ पे डेवलपर प्रीव्यू 3 में ये बग था कि
हमें ग्रीन ऐसा देखने को मिल जा रहा था फोटोज में, तो आप ये बग कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक फोटो खींच के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कोई ग्रीन नहीं है, तो जीकैम भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हम इंस्टॉलेशन की, पर दोस्तों यहाँ पे और एक बग है, मतलब दोस्तों ओएलटी का बग जो अभी भी सॉल्व वो नहीं है। तो आप इंस्टॉल करके आप कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपका नेट जो कार्ड अच्छे से चलेगा, 4G भी अच्छे से चलेगा, पर आप कॉलिंग नहीं कर पाओगे। और दोस्तों मैं जो ऐप भी चलता है कि नहीं, तो उतना मैंने टेस्टिंग नहीं किया है, पर दोस्तों एक बार वो ओएलटी का बग फिक्स हो जाता है तो इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो कैसी लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।